बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्बिनेशन बैंड एंड डिफरेंस बैंड। टू डिस्कस कम्बिनेशन बैंड एंड डिफरेंस बैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन कम्बिनेशन बैंड, दैट व्हाट इज कम्बिनेशन बैंड। सो कम्बिनेशन बैंड कैन बी डिफाइन एज व्हेन टू वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज, फॉर एग्जाम्पल वी वन एंड वी टू इन अ मॉलिक्यूल कपल टू गिव राइज टू अ न्यू इंफ्रारेड एक्टिव फ्रिक्वेंसी। एंड कम्बिनेशन बैंड में हमारे साथ ये होता है कि जब हमारे साथ दो फ्रिक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल वी वन और वी टू ये अराइज हो जाते हैं और इसको हम कपल कर देते, यानी सम अप कर दे इसको, तो ये हमारे साथ एक न्यू फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है जिसको हम कहते हैं कम्बिनेशन बैंड। यानी कम्बिनेशन का वर्ड कम्बाइन से निकला है, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो फ्रिक्वेंसीज को आप इसमें सम अप कर दे तो उससे एक न्यू रिजल्ट अराइज हो जाता है, यानी एक न्यू पीक अराइज हो जाता है, तो उस पीक को हम कहते हैं कम्बिनेशन बैंड। अब कम्बिनेशन बैंड को हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि कम्बिनेशन बैंड कब अराइज होता है और किस तरह अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है और वो आपको दो स्पेक्ट्रा देती है, एक स्पेक्ट्रा 1700 पर सेंटीमीटर पर और दूसरा स्पेक्ट्रा 1000 पर सेंटीमीटर पर। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब हम 1700 पर सेंटीमीटर और 1000 पर सेंटीमीटर इन दोनों को सम अप कर दें तो हमारे साथ एक न्यू फ्रिक्वेंसी यानी पीक अपेयर हो जाता है जो कि 2700 पर एराइज होता है, तो इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन बैंड। लेकिन इसके साथ साथ एक वीकर पीक भी अपेयर हो जाता है, यानी ऑब्जर्व हो जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम वीकर पीक ऑब्जर्व होने की बात करते हैं तो वीकर पीक सैंपल में इंतहाई कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें वीकर पीक ऑब्जर्व होता है। वीकर पीक ऑब्जर्व होने का मतलब यह है कि जब हम इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को सम अप कर दे और उससे जो न्यू पीक अपेयर होता है उसको वीकर पीक कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि कम्बिनेशन बैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी कम्बिनेशन इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, यानी जब हम 1700 पर सेंटीमीटर और 1000 पर सेंटीमीटर को आपस में मिला दें तो ये हमें और पीक देता है जो कि 2700 पर सेंटीमीटर है, और ये 2700 पर सेंटीमीटर ये इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के सम अप से अपेयर हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इन पीक को हम क्या कहेंगे कि जो कि 1700 पर और 1000 पर सेंटीमीटर पर अपेयर होता है, और उस पीक को हम क्या कहते हैं जो कि 2700 पर सेंटीमीटर पर अपेयर होता है। तो जो पीक 1700 पर सेंटीमीटर पर अपेयर होता है और जो पीक 1000 पर सेंटीमीटर पर अपेयर होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रांग पीक। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो को उसको कहते हैं स्ट्रांग पीक, और जो पीक 2700 पर सेंटीमीटर पर अपेयर हो जाता है उसको वीक पीक कहते हैं। सैंपल में बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें वीकर पीक अराइज होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल में स्ट्रांग पीक अराइज होता है। ये जो दो वैल्यूज हमने लिए 1700 पर सेंटीमीटर और 1000 पर सेंटीमीटर, ये हमने सपोजिशन ली है, ये कोई फिक्स फ्रिक्वेंसीज नहीं है। जब हमारे साथ ये हमें ये पीक देता है यानी 2700, ये 1700 और 1000 से आया है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि दो फ्रिक्वेंसीज एट द सेम टाइम अपेयर हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1700 और 1000 पर सेंटीमीटर, और इन दोनों फ्रिक्वेंसीज यानी 1700 और 1000 इन दोनों की एक्साइटेशन इतनी क्लोज हो जाती है कि ये एक बन जाती है और वो 2700 पर अपेयर हो जाती है, यानी 1700 और 1000 की बजाय वो 2700 पर अपेयर हो जाती है, और इस तरह इस बैंड को हम कहते हैं कम्बिनेशन बैंड। मतलब ये हुआ कि जो दो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसकी समअप से कम्बिनेशन बैंड बनता है, यानी इन दो फ्रिक्वेंसी की समअप से ये कम्बिनेशन बैंड बनता है। सो दिस इज द कम्बिनेशन बैंड।
अब हम आते हैं डिफरेंस बैंड. व्हाट इज डिफरेंस बैंड? सो डिफरेंस बैंड्स अराइज व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एन एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट एब्जॉर्ब्स इनफ एडिशनल एनर्जी टू बी एक्साइटेड टू अनदर वाइब्रेशनल लेवल. डिफरेंस बैंड में क्या होता है कि इसमें हमारे साथ एक मॉलिक्यूल होता है, वो ऑलरेडी यानी पहले ही से एक्साइटेड स्टेट में होता है, और उसको जब एनर्जी मिल जाती है तो वो अनदर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है. इसको हम कहते हैं डिफरेंस बैंड. यानी और इसकी वजह क्या है कि जो मॉलिक्यूल पहले से एक्साइटेड स्टेट में होता है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एनवायरमेंट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. तो ये पहले से इस वजह से एक्साइटेड स्टेट में होता है कि ये एनवायरमेंट से एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी. हम आते हैं कि जब इस मॉलिक्यूल को यानी जो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होता है, जब हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है कि ये मॉलिक्यूल पहले से ही यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे साथ मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होते हैं जब वो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल ट्रांजिशन, जब मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर जाता है. लेकिन डिफरेंस बैंड में एक मॉलिक्यूल यहाँ पर पहले ही से मौजूद होता है, और उसकी वजह हमने ये बताई कि ये एनवायरनमेंट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी वजह से ये पहले ही से एक्साइटेड स्टेट में मौजूद आता है. जब इसको और एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो ये अनदर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है. जब हम इस मॉलिक्यूल को इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं और इसकी एक्साइटेशन करते हैं तो फिर वो अनदर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है. 1000 पर एक अपेयर हो जाती है और 1700 पर अपेयर हो जाती है. तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो कितना है? वो 700 सेंटीमीटर है. तो पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान हमारे साथ एक और पीक भी अराइज हो जाए. तो ऐसे बैंड को फिर हम कहते हैं डिफरेंस बैंड. तो डिफरेंस बैंड और कॉम्बिनेशन बैंड अराइज बोथ आर पॉसिबल along with the fundamental vibration. So this is the best possible explanation for combination band and difference band. Okay, thanks.